5 से 7 सप्ताह की आयु वाले बटेर से अंडे मिलने लगते हैं। प्रजनन के लिए 3 मादा पर एक नर की व्यवस्था करनी चाहिए। बटेर के अंडों का उष्मायान और स्फुटन यानी हैचिंग कृत्रिम तरीकों से इनक्यूबेटर में आसानी से किया जा सकता है। अंडों को सुरक्षित रूप से सेने के लिए तापमान और नमी पर विशेष ध्यान देना होता है। आपको बता दें कि अंडा सेने के समय 0 से 14 दिनों तक तापमान 99.5 डिग्री फारेनहाइट और नमी 87% होना चाहिए। इसके बाद 15 से 17 दिनों तक तापमान 98.5 डिग्री फारेनहाइट एवं नमी की मात्रा 90% होना चाहिए। ध्यान रहे कि 14 दिनों तक एक निश्चित समय पर अंडों का उलटना पलटना जारी रखना होता है। फिर 14 दिनों के बाद अंडे को इंक्यूबेशन मशीन से हैचिंग मशीन में रख दिया जाता है। फिर 18वें दिन से अंडे से चूजा निकलना शुरू हो जाता है। अब बात आती है चूजों के पालन पोषण की। बटेर के बच्चे का वजन लगभग 7 ग्राम होता है, इसलिए उसकी देखभाल काफी सावधानी पूर्वक करनी होती है। खासकर पहले सप्ताह में चूजों का मृत्यु दर अधिक देखा जाता है, इसलिए शुरुआती दिनों में बटेर के चूजों पर विशेष ध्यान देना होता है। सबसे ज्यादा मृत्यु दर बच्चों की इसी प्रारंभिक सप्ताह में होती है, और उसकी 2 प्रमुख वजहें हैं। उस पहली प्रमुख वजह है कि पानी के देने के तरीके पर हम लोगों को विशेष ध्यान देना है कि बटेर को सीधे पानी हम लोग नहीं देते हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चे का वजन 7 से 8 ग्राम शुरुआती दिनों में होता है। कोई भी पानी के बर्तन में इस तरह का वो कंकड़ और पत्थर भर दें और उसके बीच में पानी दें, क्योंकि वो चोंच से वो पिएं, इससे बटेर के बच्चे भींगते नहीं हैं। और नहीं तो सबसे ज़्यादा मृत्यु जो बटेर को देखने में मिलती है बटेर के बच्चों की, वो ये होती है कि बच्चे अगर हम लोग इसका इस्तेमाल पत्थर का नहीं करते हैं, कंकड़ का नहीं करते हैं, तो बच्चे इसमें पूरी तरह से भींग जाते हैं और उन निमोनिया से ग्रसित होकर भारी मात्रा में बच्चे मर जाते हैं। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान देने की ये होती है बटेर की, क्योंकि बटेर के बच्चे का पाँव बहुत नाजुक होता है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ अगर एक बार किसी भी बटेर के बच्चे का पाँव फिसल करके टूट जाता है, ये बटेर के बच्चे के मरने की दूसरी सबसे प्रमुख वजहें हैं। तो इसके जगह पर हम लोग कॉरूगेटेड शीट का इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग बहुत ही बड़ी और सफल मात्रा में हम लोग बटेर के बच्चों का पालन कर सकते हैं। और किसान भाई एक बार ध्यान दे दें कि एक बार जब आप बटेर के बच्चे को एक सप्ताह तक जितनी कम मृत्यु होगी आपकी आमदनी उतनी ही ज़्यादा होगी। चूजों का पालन जमीन पर डीप लीटर पद्धति या बैटरी ब्रूडर में किया जाता है। इसके लिए बैटरी ब्रूडर काफी उपयुक्त माना जाता है। शुरू में होभर के नीचे 35 से 37 डिग्री तापक्रम होना चाहिए। इसको धीरे धीरे घटाकर 20 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक लाया जा सकता है, लेकिन तब जब चूजे 3 से 4 सप्ताह की उम्र के हो जाएं।